शक्ति की प्रतिमूर्ति है माँ काली, दुष्टों का संहार करने वाली है माँ काली। हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूपा माँ काली की उपासना का अलग ही महत्व है। तो आइए आज जानते हैं माँ काली के विषय में कुछ ऐसी विशेष बातें, साथ ही जानेंगे कि माँ काली की उपासना करने के क्या नियम है। माँ काली की उपासना के महत्व। शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी है माँ काली। यह कुल 10 महाविद्याओं के स्वरूपों में स्थान पर है। शक्ति का महानतम स्वरूप महाविद्याओं का होता है। काली की पूजा उपासना से भय खत्म हो जाता है, इनकी अर्चना से रोग मुक्त हो जाते हैं। राहु और केतु की शांति के लिए भी माँ काली की उपासना अचूक है। माँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके शत्रुओं का नाश कर देती है। माँ काली की पूजा से तंत्र मंत्र का असर खत्म हो जाता है। काली पूजा के नियम। दो तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है, एक सामान्य और दूसरी तंत्र मंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, पर तंत्र मंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देशों के नहीं की जा सकती। काली की उपासना का सही समय मध्य रात्रि का होता है। उनकी पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व है। माँ काली के मंत्र जाप से ज्यादा इनका ध्यान करना उपयुक्त होता है। हम आपको बता दें कि आप दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए माँ काली की उपासना कर सकते हैं। माँ काली की उपासना शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए करनी चाहिए, किसी की मृत्यु के लिए नहीं। आप विरोधी या किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उस समस्या से बचने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके शत्रु अगर आपको परेशान करते हो, तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माँ काली के समक्ष दीपक और गूगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्लीम कालिकाय नमः का 11 बार जाप करें। शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद 15 मिनट तक पानी नहीं छुएं। यह अर्चना लगातार 27 रातों तक करें। ऐसी मान्यता है कि इन उपायों को लेकर आप माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो आपको और मिल सकें।